हिमाचल में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा। पूर्व मनमोहन सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व सांसद आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी साल 26 अप्रैल को आनंद शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया था। सूत्रों की माने तो AICC अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में आनंद शर्मा ने कहा कि वो अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में हो रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस परामर्श प्रक्रिया में अनदेखी के आरोप लगाए। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि क्या कयास अब राजनीतिक पंडित उनके इस इस्तीफे को लेकर लगा रहे। 26 अप्रैल को आनंद शर्मा को जिम्मेदारी मिली थी कांग्रेस परामर्श प्रक्रिया में अनदेखी करने का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। अध्यक्ष होने के बावजूद इनको बैठक में नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर ये नाराज थे। जिम्मेदारी निभाने से इनकार इनकी तरफ से फिर किया गया। राज्य में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार जारी रखेंगे, उनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए गए? पहले ग्राफिक्स आपने देखे, कहीं बगावत तो नहीं? अब सवाल कुछ ये भी है, दिल्ली में मुलाकात क्योंकि JP नड्डा से कर चुके हैं, इसके अलावा निरंतर BJP में जाने को लेकर चर्चाएं इनकी तेज हुई थी। कुछ समय से गांधी परिवार से अच्छे संबंध नहीं चल रहे। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको बता रहे हैं, वो भी G23 गुट के नेता है। G23 गुट के गुलाम नबी आजाद ने भी इस्तीफा दिया। आनंद शर्मा के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार फिर गर्म हो चुका है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया कि क्या क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आरोप आनंद शर्मा की तरफ से लगाए गए। हालांकि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मैं प्रचार करूंगा और प्रचार जरूर करूंगा। हिमाचल में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका। इससे पहले की बात की जाए तो 2 विधायक BJP में शामिल हुए। कांगड़ा जिले की बात करें तो वहां से एक विधायक शामिल हुए थे और लखविंदर राणा नालागढ़ से विधायक शामिल हुए थे। एक और बड़ा झटका यहां पर यह लगा कि पूर्व मनमोहन सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से अब इस्तीफा दे दिया है। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि क्या कयास उनकी तरफ से लगाए गए, क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। इसके अलावा ये भी आपको जानकारी दे देते हैं कि अब राजनीतिक पंडित क्या मानते हैं। AICC के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी साल 26 अप्रैल को आनंद शर्मा की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया था और अब उनकी तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफे का पत्र, उसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर लिखा गया कि अपने आत्मसम्मान से समझौता मैं नहीं कर सकता, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये बड़ी खबर है और इसके अलावा भी बाकी चर्चाएं प्रदेश में जमकर हुई थी। उनके कांग्रेस को छोड़ने को लेकर भी अटकलें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसी बीच फिलहाल उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया कि प्रचार मैं जरूर करूंगा। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अध्यक्ष होने पर उनको बैठक में नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर नाराज थे। इससे पहले भी काफी मुद्दों को लेकर वो नाराज है। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि नाराजगी के चलते ही उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो रण में उतरेंगे, प्रचार जरूर करेंगे। जाहिर तौर पर हिमाचल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर यह लगा है कि अपने ही जो पूर्व में और वो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले 2 विधायक जो कि कांगड़ा से पवन काजल, लखविंदर राणा नालागढ़ से, वो BJP में शामिल हो गए हैं।
हिमाचल